आदरणीय मंच, बड़ी देर से हम लोग अंग्रेजी में तंत्र की बात सुन रहे हैं। इसका एक नेशनल लेवल बरकरार रखते हुए मैं अपनी बात कुछ हिंदी में रखना चाहूँगा। मेरी मादरी जबान तो मराठी है, उर्दू और हिंदी से मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उर्दू मुतलक नहीं जानता सर, लेकिन चूंकि मुझे बताया गया है कि इसको अगर राष्ट्रीय स्वरूप मिलने के हिसाब से, क्योंकि इसका नाम है नेशनल लेवल की ये संस्था है, और इत्तेफाक की बात तो ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो बात पूना से चली होती है वो दक्खन की ओर से उत्तर की तरफ जाती है। लेकिन लिमे जी, ये संस्था का एक वैशिष्ट्य ऐसा मैंने सुना है अभी अभी कि ये पूना से शुरू तो हुई, उत्तर में उसका बोलबाला हुआ, लेकिन ज़्यादातर उसकी कार्यवाही दक्खन में हुई, और इसलिए दक्खन में, दक्षिण में ज़्यादातर फेरोसीमेंट का इस्तेमाल करके बहुत सा काम विकास का वहाँ पर हुआ है। मैं अपने आप को इसलिए भी यहाँ पर खुशकिस्मत तस्वीर पा रहा हूँ, मेरे अभियंताओं के इतनी बड़ी तादाद में ये हॉल तो बहुत बातें अच्छी करता है, सिखाता है, सुनता है, सुनाता है, लेकिन बदकिस्मती से इस हॉल में सुनने वाले बहुत कम होते हैं। आज आपको देखकर खुशी होंगी कि ये हॉल बड़े पैमाने पर भरा हुआ है। ये फेरोसीमेंट का यश है ऐसा मुझे लगता है। फेरोसीमेंट के इस 10 साल के यशस्वी प्रवास के बारे में मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, और जो उल्लास प्रांसपी जी है, मेरा जो दिन है फेरोसीमेंट के बारे में, मैं तकनीकी मालूमात तो ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैं अभियंता नहीं हूँ, अभियंताओं का मित्र हूँ, लेकिन मेरे दिन की शुरुआत लिमे जी फेरोसीमेंट से इसलिए शुरू होती है कि जो लोग व्हाट्सअप पर, अगर सोमवार रहो तो हैप्पी सोमवार से लेकर हैप्पी हनुमान अंबाबाई रहे तो हैप्पी अंबाबाई सुबह सुबह आ जाती है, कोई गुलाब के जो खुशबू नहीं देते ऐसे फूल भेज देते और गुड मॉर्निंग कह देते, और हम जैसे ही घंटी बजती है सब काम छोड़ के देखते हैं, देखते अरे बाप ये तो फूल है, ये तो फूल बनाया इसने। लेकिन मैं परांशपी जी का खास शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, सुबह सुबह में मुझे एक फेरोसीमेंट की टंकी भेज देते हैं वो व्हाट्सअप पर, और मुझे इल्म होता है कि फिर आज ये रत्नागिरी में है, आज ये कोल्हापुर में है, आज के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, इसलिए इस तरह से मेरा फेरोसीमेंट का दिन शुरू होता है। मैं उन्हें शुक्रिया भी अदा करूँगा, और दिवेकर साहब को मैं मुबारकबाद इसलिए दूंगा कि तकनीकी किताबें बड़ी अच्छी तरीके से, बड़े अच्छे ढंग से छापे तो जाते हैं दुनिया भर में, अभियंता अभियांत्रिकी विश्व के बारे में बहुत कुछ लिखा भी जाता है, पढ़ा भी जाता है, लेकिन बदकिस्मती से अभियंताओं के बारे में बहुत कम पढ़ने और लिखने को देखने में आता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो पत्रिकाओं का काम है, जो माध्यमों का काम है, वो तो कहीं गुमराह हो गए हैं, विकास के काम की कोई बात ही नहीं कर रहा है। विकास के काम के बारे में अगर बात करनी है तो उसको पूर्वग्रह दूषित होकर, गलत अंदाज से देखकर लोगों के सामने पेश किया जाता है, और इसलिए विकास कर्मियों को अपनी बदनामी का, अपने तेजोभंग का, अपने मानभंग का सामना करना पड़ता है। मैं दिवेकर साहब को मुबारकबाद इसलिए दूंगा कि ऐसे नए तकनीक पर, जो हमारी बहुत सी चीज़ों की बचत करने वाली है, शासन में जो खर्चा होने वाला है उसमें बहुत बड़ी अखराजात को बचत करने वाली ये योजना है, इसका शासन स्तर पे भी विचार होना चाहिए, और इस किताब के अनेक एडिशंस निकले और वो तमाम लोगों तक पहुँचे, ऐसी मैं मुबारकबाद इस मौके पर देना चाहूँगा। जिस महकमे में बड़े बड़े ज्ञानी लोग यहाँ पर बैठे हुए, अभियंता जो सोसाइटी का एक क्रीम माना जाता है, उन लोगों का मित्र होने का भाग्य मुझे पिछले 30 साल से मिला है। यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों उसके साक्षीदार भी रहे हैं, बहुत 30 साल पहले से तकरीबन। एक ऐसी पत्रिका लिमे जी जो सरकार की मदद लिए बगैर, एडवर्टाइज के बगैर पिछले 30 साल से पूना जैसे शहर से मुसलसल शाया हो रही है, कंटिन्यू निकल रही है। इसके पीछे मेरे अभियंता और मित्रों का योगदान है, और उन्होंने मेरी मैत्री को स्वीकार किया, क्या शत्रुत्व करना बहुत आसान है, मित्र करना मुश्किल भी है और उसे निभाना तो और भी मुश्किल है, लेकिन एक 30 साल की मैत्री में इस तरह से मैं निभा सका, इसका मुझे खुशी है, उस खुशी का इजहार मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर करता हूँ। अभियंता
और अभियंताओं के काम के बारे में मैंने अभी कहा, जैसे कि कोई मैगजीन्स रिसाले नहीं निकलते, अच्छे नहीं निकलते, बड़े पैमाने पर निकलते नहीं, और वो पढ़े लिखे भी नहीं जाते हैं, पढ़े नहीं जाते हैं। आपको मालूम होगा रिमेश जी कि टेक्नोरामा नाम का एक माध्यम जो निकलता है प्रदेश से, और हाइड्रोप्लस नाम की एक पत्रिका भी निकलती है। हमारे मुल्क में संपादकों को, सहाफ़ियों को, पत्रकारों को ऐसी जगह नहीं बुलाया जाता जहाँ पर विकास की बात हो रही है। अगर उनको बुलाया भी तो विकास की बात अच्छे ढंग से वो न समझकर गलत तरीके से उसको समाज में पेश करते हैं, और वो बात गलत तरीके से लोगों तरफ जाने के बाद उसके गलत मतलब निकाले जाते हैं। आपको मालूम होगा साहब कि जहाँ पर वाटर प्राइज जो दिया जाता है, माधव जी हमारे मित्र जो हमारी इस काम के पीछे प्रेरणा स्रोत है, माधव चित्रे, वो कहते हैं कि वाटर, वो स्टॉकहोम में जो वाटर प्राइज दिया जाता है उसकी जब मीटिंग होती है, उसकी जब सिलसिला शुरू होता है बातचीत का, तो उस वक्त इन संपादकों को वहाँ पर बुलाया जाता है। ये संपादकों की विकास के प्रति उन देशों में इज्जत है। हमारे मुल्क में इस तरह के संपादकों की इज्जत कब होने वाली है? और हमारे संपादक, हमारे पत्रकार विकास की दिशा की तरफ नीक और अच्छे ढंग से कब देखने वाले हैं? ये दोनों बातें होना बहुत ज़रूरी है। जब तक माध्यम इस चीज़ को, इन बात को अच्छी तरह से पेश नहीं करेंगे, तब तक लोग उसको अच्छी तरह से नहीं समझेंगे। हमारे एक मित्र है सुरवे साहब, उसके साक्षीदार है कि जब हमारे मूठा कैनाल को या किसी के कैनाल को जब छोटा सा होल पड़ जाता है रात में किसी कारण से, तो हमारे दूसरे दिन अखबार में बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाती है, भगदड़ पड़ ले, पानी वाया गेले, इस तरह की। कैनाल पर से कोई साइकिल पे जाते हुए कैनाल में अगर कोई बच्चा गिर गया तो वो खबर पढ़ते हुए हमको ऐसा लगता है कि किसी इरिगेशन डिपार्टमेंट के आदमी की गलती है, इस तरह से उसको पेश किया जाता है। ये पेश करना जिस दिन बंद होगा, उस दिन विकास कर्मियों को सचमुच में न्याय मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा न्याय मिला देने के लिए दिवेकर साहब जैसे, प्रांसपे साहब जैसे और हंगेकर साहब जैसे जब तक लोग आगे नहीं आएंगे, तब तक ये काम नहीं होने वाला। अब जब मैं जिक्र हंगेकर साहब का किया है तो मैं शायद, मुझे आप माफ़ करना, वो मेरे बहुत करीबी दोस्त है इसलिए उनके मैं तारीफ़ करूँगा, इसलिए माफ़ करना, लेकिन वो तारीफ़ के काबिल ज़रूर है, आप सभी इस बात को मानेंगे। कैसे? हम बच्चों की बर्थडे मनाते हैं, बीवी की बर्थडे मनाते हैं, अपनी खुद की भी बर्थडे मनाते हैं। ये एक आदमी ऐसा है जो परियोजनाओं के बांधों के डैम्स के बर्थडे मनाता है। इन्होंने नासिक में जब थे तो डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए लिप्ते साहब एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड लेवल की कॉन्फ्रेंस रखी थी, और वहाँ पर विश्व बैंक के लोग भी आए थे जिन्होंने इनको सराहा था। उसके बाद मैं एक ऐसा खुशकिस्मत आदमी हूँ कि जो भादसा जो डैम है, जो पूना बम्बई को पानी पिलाता है 100 किलोमीटर पाइपलाइन से जाकर, उस डैम के बर्थडे को भी, उसके सालगिरह को उपस्थित रहने का भाग्य मुझे मिला था, मैं उनमें से एक हूँ। और उससे आगे भाग्य मेरा जाता है तामसिकर साहब, जिस बांध की परियोजनाएं का उद्घाटन लाल बहादुर शास्त्री ने रखा था न्यू, जिसका उद्घाटन, जिसको लोगों को समर्पित किया था इंदिरा जी ने, उस बांध के जल पूजन को भी साहब ने उसका बर्थडे रखा और मुझे वहां पर बुलाया था। मैं खुशकिस्मत आदमी हूँ इस नदी का। और इस तरह के परियोजनाएं की तरफ अभी पिछले दिन, चार दिन पाँच दिन पहले, पिछले हफ्ते में कुछ लोग आप में से उनमें थे भी वहां पर, सुरवे साहब भी थे। बात क्या हो रही थी? नर्मदा को, सरोवर को लेकर बात हो रही थी। बड़े अच्छे अच्छे लोग आए थे, लेकिन माफ करना, मैंने इस तरह का वहां पर देखा, सुरवे जी आप तो दिन भर थे वहां पर, मैंने अक्सर देखा कि सरकारी लोग और गैर सरकारी लोग और लाभधारक, जैसे इनमें कोई एक युद्ध चल रहा है, शीत युद्ध। मैं मुख्तलिफ जगह पर बैठता था, कभी पीछे कभी आगे, कभी पत्रकारों में कभी इधर, मैं देख रहा था एक तरह का युद्ध चल रहा था। मेधा जी भी वहां पर थी, बड़े काफी अच्छे अच्छे लोग थे, लेकिन वहां पर एक तरह की खींचतानी चल रही थी। क्या चल रही थी? हमारे सरकारी लोग ये बता रहे थे कि परियोजनाएं सही होती है, और तमाम ये लोग बता रहे थे कि ये परियोजनाएं गलत होती है। उनको ये साबित करना पड़ रहा था। मैं अपने चुपके से वहां छोटी सी बात रखी थी कि इनसे कहिएगा, मेधा जी से कहिएगा कि जिस शहर में ये रहती है उस शहर के तमाम आसपास के परियोजनाएं अगर निकाल ली जाए, जैसे मिसाल के तौर पे औरंगाबाद में अगर आप रहती है वहां से निकाल लो जायकवाड़ी को, आप बंबई में रहती है तो बादशाह को निकाल लो, हटा लो, और पूना में आप रहती है तो यहाँ के मुठा मुला कालवा जो भी कुछ उनको निकाल लीजिए खड़कवासला को, तो आप जी सकेंगे? नहीं जी सकेंगे, एक मिनट भी जी नहीं सकेंगे। और इन दिनों
रहदारी की इस तरह से कुंठित हो रही है कुंठिता कि आप पुणे से बंबई और बंबई से पुणे नहीं आ सकते। अगर हमने गडकरी जी ने बनाया हुआ वो एक्सप्रेस हाईवे निकाल लिया, किन्होंने बनाया? हम अभियंताओं ने बनाया। तमाम बदनामी सहन करके, तमाम बुराइयां सहन करके हम अभियंताओं ने ये चीजें जो विकास की खड़ी की है, इसके बारे में कोई बोलने वाला है कि नहीं? कि ये बोलने वाले हैं कितना पानी चुरा लिया, कितने पैसे खा लिए, जितने सर्वे साहब को मालूम है जितने करोड़ रुपए की परियोजनाएं का इस्टीमेट होता है उतने पैसों का भ्रष्टाचार हो, इस तरह से बताया जाता है। ये कहीं तो रुकना चाहिए। शायद मैं अंगेकर साहब और सांगले साहब के इशारों को समझ रहा हूँ, मेरी कमीज की कुर्ती खींच ना पाए वो कि भाई बंद करो, आप तो बोलते ही जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं रुकना चाहूँगा लेकिन एक मुबारकबाद ज़रूर देना चाहूँगा। अंगेकर साहब ने और एक काम किया था मित्रों, आपको शायद मालूम नहीं होगा, गंगापुर परियोजना जो मिट्टी से बनी थी, उस मिट्टी की परियोजना बनाने वाले कुछ लोग अभी भी पूना जैसे शहर में जिंदा है, ये उन्होंने ढूंढ के निकाला। उनके नाम मिस्टर अभी देउस्कर साहब चले गए, देउस्कर साहब, जोशी साहब, अपटे साहब, एक शिंदे थे, वीएन शिंदे बोल के, इन लोगों को ढूंढ के निकाला। इनके उन्होंने इनके इंटरव्यूज लिए जिसमें मुझे भी उन्होंने शामिल कर लिया था और मुझे भी इनको रूबरू होने का, उनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला। खुशकिस्मती मेरी ये है कि मैं इतने ब्लड लोगों से मिल सका। ये इस तरह की चीज़ें ढूंढते हैं, इसलिए मैं हंगेकर साहब और उनकी जो टीम है, इन्होंने जो ये काम शुरू किया है, इस काम को 100 साल की उम्र मिले बल्कि पूरे देश में इसका बोलबाला हो, दक्खनी और उत्तरी नहीं, महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश में इसका बोलबाला हो, ऐसी शुभेच्छा मैं देता हूं और अपनी बात यहां पर ख़त्म करता हूं। मुझे जो मौका मिला इतने बड़े बड़े लोगों के सामने, मुझे जो यहां पर सराहा गया, मैं तो एक अपना ऑडियंस की तरफ, आम आदमी की तरफ बैठने को आने वाला था सुनने के लिए, मैं आता ही हूँ ऐसे। मैं जहाँ भी मौका मिलता हूँ, अभियंताओं की जहाँ बात होती है, विकास की जहाँ बात होती है, मैं चला जाता हूँ वहाँ पर। शायद हमारे कुछ मित्र बोलते हैं किड़े साहब जैसे कि एक ऐसा वाहिद पत्रकार है कि जो विकास की बात होती है वहाँ चले जाता है खुद अपने आप। तो मैं ये सब बातों को लेकर ही ये सफ़र कर रहा हूँ। पिछले दिनों 61 साल की उम्र मेरी जब हुई तो मेरी सालगिरह पर आप सब लोग आए थे और ये मुझको उन्होंने मुबारकबाद दी और मुझे शुभेच्छा दी, इसलिए मैं दिन पे दिन और जवान होते जा रहा हूँ ऐसा महसूस कर रहा हूँ। ये जवानी मुझे अभियंताओं की सेवा करने के लिए, विकास की दिशा लोगों के सामने रखने के लिए, भगवान मुझे और उम्र दे और आपका सहवास मुझे मिले, ऐसी उम्मीद यहाँ रखकर मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।